है माई टी शर्ट, इट्स इंडियन फ्लैग. सो आई रिसेंटली, नॉट रिसेंटली बट इट वॉज अंडर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड टाइम बिकॉज आई सीन इट विद शिविका. इट टुक अराउंड 2 months टू फिनिश इट एंड इट्स अ लिमिटेड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स कॉल्ड हाई स्कोर एंड दिस इज अबाउट द गेमिंग एवोल्यूशन, हाउ इट स्टार्टेड इन 1960s एंड हाउ इट हैज़ अप्रोच इट सेल्फ टू बी अ वेरी यू नो द बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, द हाइएस्ट इंडस्ट्री इन द कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग. सो सबसे ज़्यादा मूवीज म्यूजिक कम्बाइंड इज लेसर देन वीडियो गेम्स, सो हाउ इट बिकेम सो बिग. और इसी के बारे में निंटेंडो है, सोनिक है, सीगा है, मारियो की एवोल्यूशन के बारे में बताया है, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जापान का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बिकॉज दीज ऑल आर जैपनीज कंपनीज हु इवॉल्व्ड एंड हाउ दे वर टारगेटिंग अमेरिकन मार्केट एंड हाउ दे यूज टू हैव मतलब चैम्पियनशिप्स फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री इन यू एस एंड देन देर वॉज दिस चैम्पियनशिप विच वॉज वन बाई जापान बेस्ड अमेरिकन. वो इंडिया लेवल की मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की चैम्पियनशिप थी, सेगा वालों ने करी थी. तो कैसे कैसे मोर बिट्स वर एडेड टू द चिपसेट एंड हाउ इट गॉट बेटर एंड बेटर. और उसके बाद गोर आने लग गया, जैसे ये मॉडल कॉम्बैट और ये वो सब के बारे में उन्होंने धीरे धीरे करके बताया कैसे एवोल्यूशन आया, कैसे जो 3D मोशन की गेम्स हैं जिसमें हम ऐसे लगता है कि सामने वाले को मार रहे हैं, वो कैसे आई और पिन बॉल कैसे आई और सब कुछ कैसे चला. कंसोल गेम्स का कितना बड़ा मार्केट था इनिशियली, तो वो सब के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया. 6 episode सीरीज़ है, एक बारी तो देखी जा सकती है अगर आप गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हो. बस यही था. ओके.